नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज मैं जो आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, वो टॉपिक ये है कि हम लोग क्या काम करते हैं कि जैसे मान लो किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेने के, जैसे मान लो एक साधारण सी बात है कि कार्बनडाइजम और मैंकोजैब आमतौर पर चलता है। अब कार्बनडाइजम और मैंकोजैब वो तो चल रहा है, वो तो सबको पता है कि कॉन्टैक्ट फंगीसाइड बन गया। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का मतलब होता है कि दो फंगीसाइडों का एक मिश्रण, दो जिनका कॉम्बिनेशन बैठता है, वो दो फंगीसाइड जो मिला के एक में कर दिए जाते हैं। अगर अकेला रहेगा तो वो सिस्टेमिक हो जाता है, दो मिला दिए जाते हैं तो कॉन्टैक्ट में तत्कालीन रिजल्ट देने वाला हो जाता है। सिस्टेमिक क्या है, थोड़ा टाइम लगाता है, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड तुरंत रिजल्ट देता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, मैं किसी कंपनी की कोई बुराई नहीं करता, ना मेरा कोई किसी कंपनी से विरोध है, लेकिन जो सच है वो सच है, वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। कि आप लोग क्या काम करते हो कि दुकानदार के पास गए और दुकानदार के पास जाने के बाद आपने कहा जी मुझे कॉन्टैक्ट फंगीसाइड दे दीजिए, या आपने जैसे बोला कि नहीं मुझे कार्बनडाइजम और मैंकोजैब दे दीजिए, तो वो आपको उठा के पकड़ा देगा। लेकिन अब आपको यहीं पे सावधानी रखनी है, क्यों? अभी ऐसा केस एक पंजाब के अंदर आया है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जानी मानी कंपनी ने किसानों के साथ खेल खेला है, और जो खेल खेला है तो मतलब खेला है। चाहे वो कितनी भी बड़ी धुरंधर कंपनी हो, जो किसानों की हितैषी तो बन रही है, लेकिन फिर डिफॉल्ट क्यों किया? जब किसान आपको पूरा पैसा दे रहा है तो पूरा पैसा आपने लेने के बाद उसको पूरा मटेरियल क्यों नहीं दिया? पूरा मटेरियल का मतलब जो भी टेक्निक, जितने परसेंट आपने उसमें लिखा हुआ है, वो आपने क्यों नहीं डाला? अभी एक पंजाब के किसान ने अपने बाग के अंदर जो है 1.5 लाख रुपए का पेस्टिसाइड यूपीएल कंपनी का लगा दिया। मैं खुल के बोलता हूं, मुझे किसी का डर नहीं कि यूपीएल कंपनी मेरे पे केस कर देगी। क्यों कर देगी? फ्रॉड कंपनी कभी किसी पे केस नहीं कर पाती, फ्रॉड होती है तो फ्रॉड होती है। जबकि किसानों की बहुत ज्यादा मसीहा बनी फिरती है वो कंपनी, बहुत तंगड़ी मसीहा बनी फिरती है कि नहीं अब किसानों का हम ही उद्धार करेंगे और कोई नहीं करेगा। ये कोई कंपनी किसानों का उद्धार करने नहीं आई है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये सब लूटने का काम करने आए हैं और आपको लूट के खा जाएंगे। जिन कंपनियों का आप अगर इनके पीछे बैकग्राउंड में चले जाओ, इनका टर्नओवर किसी का 100 करोड़ का था, किसी का 200 करोड़ का था, किसी का जीरो ही था। लेकिन इंडिया में सारी जब से पेस्टिसाइड का बोलवाला हुआ है, तब से कंपनी कोई 8,000 पे रन करती, कोई 10,000 पे रन करती, कोई 20,000 पे रन करती, ये सब मालामाल हो गए। किसान कितना मालामाल हुआ, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों से भी करता हूं, अपने आप से भी करता हूं, किसान कितना मालामाल हुआ? जितनी प्रॉफिट कंपनियों ने अपनी बढ़ाई है, उतनी क्या किसानों की बढ़ी है? किसानों की कभी नहीं बढ़ेगी। क्यों? ये कंपनियां आज तो पेस्टिसाइड बना रही हैं, और कल ये वायो फर्टिलाइजर में कदम इन्होंने रख दिया। केवल नाम का डिफरेंस है, इनको ABCD नहीं पता। 95% ऐसी कंपनियां हैं जो वायो फर्टिलाइजर पे आपको लूट रही हैं, आपको केवल कचरा दे रही हैं, जैसे पेस्टिसाइड में देती आई हैं। चोर कभी भी चोरी से तो चला जाए अगर उसको ज्यादा दंड मिल जाए, लेकिन हेरा फेरी तब भी करेगा, वो चूक नहीं सकता, आपको कभी भी शुद्धता नहीं दे सकता। क्यों? उसकी फितरत में है, वो बाप दादाओं से सीखा हुआ है कि इस तरीके से फॉर्जरी करेंगे तो मोटा पैसा कमाएंगे। अब फॉर्जरी वाला ही मोटा पैसा कमाता है, ईमानदार आदमी मोटा पैसा कभी नहीं कमाता, वो दो वक्त की रोटी खाने के लिए मुश्किल से जुटा ले तो बहुत है। लेकिन फ्रॉड आदमी तरक्की करता है, कोई भी व्यक्ति अगर तरक्की कर रहा है तो उसके पीछे आप जो है वो देखना कि जो है वो तरक्की किया क्यों, वो नंबर दो का पैसा कमाया तब किया। तो वही किसानों के साथ हो रहा है कि ये कंपनियां, जैसे यूपीएल वाले ने क्या काम किया, 47.7 का जो कॉपर उसको मिलना था, कॉपर प्लस मैंकोजैब का एक मिक्सर आता है इनका, ठीक है जी, वो 47.7 का मिलना था, उसमें जब लैब में उसने व्यक्ति ने जांच कराई तो केवल 3% पाया गया। क्यों 3% पाया गया? जब आप 47 पॉइंट का मेरे से पैसा ले लिया, आपने 3% दिया क्यों? 3% अगर आपने दिया है तो आप चोर हो, और चोरों की कभी साथ नहीं देना। ये मैं आपसे हकीकत बता रहा हूं कि इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप अपने अगर घर पे प्रोडक्ट बनाओगे तो ज्यादा ईमानदारी से अच्छी बढ़िया शुद्ध खेती कर सकोगे कम खर्चे में। अगर आप पेस्टिसाइडों कंपनियों पे चले जाओगे, मैंने आपको एक नेटिवो का उदाहरण दिया था, मुझे लोगों ने गुमराह कर दिया, मेरी 7,500 रुपए की मैंने पेस्टिसाइड डाल दिया टमाटरों में, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इस टाइम झुलसे का प्रकोप बहुत ज्यादा था, बारिश नहीं हुई, वो वायरस की बारिश हुई थी, वायरस ही बरसा था। जो लास्ट बारिश हुई थी ये,
वो वायरस ही बरसा था, उसमें बारिश नहीं थी। तो उसमें क्या हुआ कि सबके किसी टमाटर का तो बिल्कुल मिला ही नहीं, सारा झुलसे में खत्म हो गया। टमाटर भी लगभग लोगों का खत्म हो गया, ये इतनी जबरदस्त फ्रूट सड़ गया खेतों में। तो जब मैं परेशान हो गया और मैंने देखा कि ये तो काम कर ही नहीं रहा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गेम क्या है, यहाँ पे गेम क्या है आपको बता देंगे। टोबैको नाइजोल ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, या सिजेंटा का ले लो। हाँ, मैं ये कहता हूँ पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए, बैकाबे में आके कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉफिट दे रहा है और किसी भी ब्रांडेड कंपनी के अगर जो पेस्टिसाइड है, जो भी आपने फंगीसाइड डाला है, उसने अगर आपको फायदा दिया है, तो मैं तो यही कहूंगा आप तभी उसको यूज करें। या कोई किसान भाई, अब ये जो YouTube पर दुनिया भर के आप वीडियो देखोगे, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, आप एक क्रॉप में कितना डाल दोगे फंगीसाइड और कितनी कंपनियों का डाल दोगे? बेस्ट तो सारे ही अपने अपने बताते हैं। कोई कंपनी कभी ये कहता है ये घटिया मैंने बनाया, कंपनी जो निकालती है वो बेस्ट ही निकालती है। तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि आप ये देखो कि मुझे फायदा किस चीज से हुआ, मुझे प्रॉफिट किसने दिलाई। मैंने नेटवो का यूज नहीं किया, मुझे भी जो दिमाग में भ्रम था वो ऐसा था कि नहीं, नेटवो मुझे कुछ ही कुछ कंपनियों के बड़े बड़े एमआरओ ने बताया, बोले आप एक बार यूज कर लोगे तो ये परमानेंट आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे नीचे का फंगीसाइड नहीं चलता और ये बड़ा कॉस्टली आता है। तो मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं कि कोई चीज कॉस्टली नहीं होती, कॉस्टली वो तब पड़ जाता है कि जब हम उसमें डाल डाल के थक जाएंगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो वो कॉस्टली होगी होगी। लेकिन अगर कोई चीज मान लो, सपोज करो मैंने 1000 रुपए का स्प्रे दिया और 1000 रुपए का स्प्रे एक महीने का रिजल्ट दे गया, तो वो कॉस्टली कहां हुआ, वो सस्ता हो गया। और ये जो 250 के मैंने 4 स्प्रे मार दिए, क्योंकि कोई भी आप अगर ये भी आप इसमें समझो कि किसी दवाई का 6 दिन का रिजल्ट है, किसी का 10 दिन का रिजल्ट है, किसी का 12 दिन का रिजल्ट है, किसी का 15 दिन का है, किसी का 20 दिन का, किसी का 25 दिन का, तो आप ये भी तो देखो वो 25 दिन का रिजल्ट भी तो दे रही है। आप ये 6 दिन वाली जो डाल रहे हो और अगर वो आपने 1000 की 25 वाली डाल दी तो वो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सटीक उसमें कॉम्बिनेशन मिला हुआ है और अच्छी प्रॉफिट वाली, तो वो आपको महंगी नहीं पड़ेगी, आपको बल्कि सस्ती पड़ेगी। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जो है अपने घर पे खुद पे उत्पाद बनाएं ज्यादा से ज्यादा और उसी से खेती करें। और मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ विनम्र निवेदन है, आप लोग जो है जो पशुपालन करते हो उसमें एक देसी गाय का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाय बचेगी तो सब कुछ बचेगा, और गाय तभी बचेगी, कोई गवर्नमेंट ये गौशाला बना के ये सब ढोंग ढकोसले हैं, मैं आपसे क्लियर शब्दों में कहता हूँ, कोई गवर्नमेंट कोई गाय नहीं बचाना चाहती, ये सब राजनीति है। गाय अगर आप लोगों को हम लोगों को बचानी है तो एक देसी गाय आप पालिए, और मेरे से आप जो भी बन पड़ेगा, मैं हो सका तो आपके गांव गांव आके मैं आपको सिखा दूंगा कि एक देसी गाय से आप 30 से 35 बीघा खेत, मतलब 6 से 7 एकड़ खेत, वैसे दावा तो है इसका 10 एकड़ तक का, लेकिन मैं 10 एकड़ नहीं नॉर्मली आपको बताता हूँ, 6 से 7 एकड़, 30 से 35 बीघा जमीन, मैं आपको गौ आधारित खेती करना सिखा दूंगा, और वो भी निशुल्क, बशर्ते आपकी गाय प्योर होनी चाहिए। ये मिक्स ब्रीड जैसे साहिवाल जो आजकल चल रही है, कोई 70% है, कोई 60% है, कोई 30%, वो आपकी ब्रीड 100% होनी चाहिए। अगर वो 100% है तो मैं आपकी पूरे कोऑपरेट करूंगा, हर तरीके की मदद करूंगा, 24 घंटे के लिए आपका ये भाई खड़ा है आपके लिए। क्यों? जो मैंने भुगता है, जो मैंने झेला है, मैं चाहता हूं आप लोग वो न झेलें। अगर वो आप लोगों को झेलना है और आप बहकावे में ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, लाखों प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं डेली, लेकिन किसानों का लाखों का भला नहीं होता। हर कंपनी अच्छा ही निकालती है लेकिन वो अंदर से घुसेड़ देती है कुछ ना कुछ, क्यों? कमाई करनी है उनको, उनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं, उनको कमाई करनी है। अगर आपने केस कर भी दिया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा मुचलका भर देंगे, कमाए 1000 करोड़ रुपए और भर दिया 10-20 हजार का मुचलका, इतना ही होता कोर्ट का, ज्यादा नहीं होता। तो आप लोग जो है खुद से जागो, एक्टिव हो जाइए और एक्टिव होकर खेती करिए और गौ आधारित खेती करिए। अगर किसी भाई के पास गाय नहीं है तो 4-5 लोग मिलके एक गाय पाल लो, 4-5 लोग मिलके ग्रुप में एक गाय पाल लो, और उससे आपकी 4-5 लोगों की खेती, मैं जैसे किसी के पास बड़ी खेती नहीं है, 5-10 बीघा खेत है, तो वो ऐसे 2-3 लोग इकट्ठे हो जाओ, 3 लोग इकट्ठे हो जाओ, एक गाय पाल लो, और एक गाय से उन 3 लोगों की खेती होती रहेगी। क्यों? उसका जो गोबर है वो भी काम आएगा, उसका मूत्र भी काम आएगा,
उसकी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, दूध घी सब हर चीज उसकी काम आने वाली है और इतनी बेहतरीन खेती होने वाली है। क्यों? आगे ये गुहार लगाई जा रही है और हम लोग ये सपना देख रहे हैं कि गाय बचेगी तभी खेती बचेगी, और नहीं खेती नष्ट हो जाएगी अगर गाय खत्म हो गई तो। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप एक लोग नहीं पाल सकते तो तीन लोग समूह में मिलकर पाल लो, अगर पांच पांच बीघा खेत है तो आप छह लोग समूह में मिलकर पाल लो और मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। पर्सनली तो मैं नहीं आ सकता किसी के यहाँ, लेकिन हाँ अगर कोई मान लो एक ग्रुप में खेती करता है तो उसके लिए मैं सदैव तैयार हूँ, क्योंकि हमारा एक जैथरा के अंदर जो है एक बना हुआ है FCO जो अभी प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, उसमें आगे चल के रजिस्ट्रेशन होंगे लोगों के, जो भी जैविक खेती करने वाले उनके प्रोडक्ट की खरीदारी की कोई टेंशन नहीं होगी, वो सीधा बिक जाएगा और अच्छे रेटों में बिकेगा। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग सोच समझ के खेती करें, आप इन चक्करों में न पड़ें कि फलानी कंपनी का ये टेक्निकल वो टेक्निकल। टेक्निकल तो है सबके, लेकिन कौन सी कंपनी उसमें टेक्निकल प्योर दे रहा है, कौन सा मिलावट कर रहा है, कौन सा कितने परसेंट दे रहा है, कौन सा जेन्युइन दे रहा है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि दुनिया भर की जो हजारों कंपनियां खुल गई हैं उनके भरोसे में ना आए, इंटरनेशनल एक ब्रांडेड कंपनी का ही प्रोडक्ट उठाएं और उसको डालने के बाद रिजल्ट जरूर जांचें। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो इन कंपनियों के खिलाफ खड़े हो जाओ, आंदोलन करो और खड़े हो जाओ और इनकी लैब में एक जांच रिपोर्ट करा लो, उसका जितना प्रचार हो सके उतना करो। क्यों? अच्छे का प्रचार होता है तो बुरे का प्रचार क्यों नहीं होगा साहब, बुरे का भी होगा। तो इसीलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि यही आज की जो है एडवाइजरी थी, और आप सभी को जो है हमारी तरफ से, एक छोटा सा किसान हूं मैं, और हमारी तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई हो। मैं भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ दिल्ली हाउस पे आया हूँ अपनी होली मनाने के लिए, क्योंकि पहले मैं दिल्ली में ही शिफ्टेड था, लेकिन मैं 2 साल से खेती में चला गया तो मैं खेती करने लगा, बच्चे हमारे यहीं पे रहते हैं। तो आज मैं छुट्टियां बिताने के लिए आया तो सोचा किसान भाइयों के लिए, मेरा कुछ दिमाग घूम गया, मैंने कहा इस तरीके से इतना बड़ा फ्रॉड आ गया तो क्यों ना इसके बारे में किसानों को बताया जाए। वो मैं उसकी पेपर की कटिंग भी आपको इस वीडियो में शो कर दूंगा, वो आप गौर से पढ़ना कि कितना बड़ा फ्रॉड है। तो ठीक है किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्राइब से थोड़ा मनोबल बढ़ता रहता है कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।